मान लो कि आप गाड़ी चला रहे हो और आपकी गाड़ी पेट्रोल की वजह से बंद हो जाती है, तो ज्यादा संभावना है कि आप उसे धक्का लगाकर पेट्रोल पंप तक ले जाओगे या फिर किसी की मदद मांगोगे। लेकिन क्या हो अचानक किसी उड़ती हुए प्लेन में पेट्रोल खत्म हो जाए? तो ऐसा ही एक हादसा हुआ 1983 में एयर कनाडा 143 के साथ, जब 41,000 फीट की ऊंचाई पर इस प्लेन का ईंधन खत्म हो गया। दरअसल एयर कनाडा 143 में 22,300 किलो पेट्रोल भरना था, लेकिन तेल भरने वाली टीम ने गलती से 22,300 LBS पाउंड तेल भर दिया, जो कि लगभग 10,000 किलो तेल होता है। प्लेन 41,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी, तभी अचानक से प्लेन के दोनों ही इंजन बंद हो जाते हैं। इंजन बंद होते ही प्लेन की ज्यादातर बिजली खत्म होने लगी और कंट्रोल हाथ से छूटने लगा। पायलट ने बची हुई टर्बाइन ऊर्जा से तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को संपर्क किया और फाइनल किया कि प्लेन को पास ही के एयरपोर्ट पर उतारना होगा। लेकिन एयरपोर्ट पुराना होने की वजह से वहां पर कार रेसिंग कॉम्पिटिशन चल रहा था। पायलट ने प्लेन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए प्लेन को स्लिप कराना जरूरी समझा। प्लेन के स्लिप होते ही प्लेन का टायर ब्लास्ट हो गया। वहां से कुछ ही दूरी पर लोग साइकिल चला रहे थे, लेकिन आखिर में इस घटना में किसी को कुछ नहीं हुआ।